तो जी 2-in-1 से हम निकल रहे हैं, दोस्त से गपशप हो गई है, काफ़ी उसकी जगह पे गर्मी थी, कमर में भी पसीना पसीना हो गई है, मुझे शक है कि ठंडी हवा में जा रहे हैं कहीं बुखार ही ना हो जाए। अंधेरा हो चुका है, मैंने तो सोचा था कि जल्दी ही बारे हो जाएंगे, लेकिन नहीं। चलो कोई नहीं, ये भी सब नसीब का खेल है, अल्लाह खैर से लाए, खैर से ले जाए, क्योंकि सड़कों पे आपको पता है सारे माशाल्लाह उस्ताद ही घूम रहे होते हैं, कोई नीचे ना देते उस्ताद। तो जी ये होटल्स हैं आपके सामने, अल खैर, अल फजर, फिर जी उसके बाद पेट्रोल पंप शेल, तो पता नहीं अपने यूनिट्स बेच रहा था आपको, तो शेल कैसे रहे, बहरहाल उसके बाद जी होंडा का वो था, फ्रेंचाइज थी, उसके बाद जी आगा गुल ऑटो, फिर उसके बाद जनाब आ जाता है अगेन एक और होटल, महफिल रेस्टोरेंट है। होटल और रेस्टोरेंट में फ़र्क होता है ओबियसली, तो जी महफिल रेस्टोरेंट, और उसके बाद जनाब स्वीट एंड स्वीट्स, और मेट्रो, क्राकरी, फर्नीचर वाले क्या, होम वाले क्या, और बड़ी बात ये कि जी ये इलाका आबाद हो गया है। मुझे याद है कि जी यहाँ पे आते हुए लोग अक्सर डरा करते थे, जाहिर है आबादी थी नहीं, अंधेरा होता था, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग इतनी खास तो है नहीं, क्योंकि बॉक्सेस बने हुए हैं। अक्सर लोगों ने ये कहा है कि जो ये जो बैनर लगाते हैं पार्टीज के, उन्होंने इसमें से काफ़ी की बैटरीज जो है वो निकाल ली है, सच झूठ अल्लाह को पता, लेकिन सुना बहुत है। अरे यार ये चर्च की बड़ी खुशबू आ रही है, अल्लाह के बंदे पता नहीं हम मंशियात से सब आजाद हैं, हमारी जितनी भी नस्ल न्यू जनरेशन जितनी भी आ रही है वो इस काम में हमाफ्ता है, हमाफ्ता से मुराद इन्वॉल्व है ड्रग्स में। आपको जिना रोड से भी ज़्यादा आबादी वाली जगह मिलेगी और रश कश वाली जगह मिलेगी, क्योंकि एक तो ये बाईपास था हमारा, इनर बाईपास जिसको कहते हैं, सिटी के अंदर का जो बाईपास होता है ये वो है, आउटसाइड का बाईपास साइड पे है, लेकिन देखा जाए पुराने टाइम में तो ये हमारा आउटर बाईपास था। मैं आपको तकरीबन 2005 से पहले का बता रहा हूँ, ये हमारा आउटर बाईपास था, आबादी नहीं थी, कोयला फाटक से जब हम मुड़ते थे तो हमें वहीं से एहसास हो जाता कि जी हम बाईपास की तरफ जा रहे हैं, और वो सारी गैर आबादी का ये कोयटा का ये बाईपास था बहरहाल मुख्तसर। तो जी जब बाईपास के ऊपर ही जब शॉप्स खुल जाएँ तो आपको पता है कि रश कश बढ़ जाना है, और उसके बाद मज़ीद मैंने आपको कहा ना कि लोग इस पे आबादी कर रहे हैं और ये बढ़ेगी रुकेगी नहीं, और तकरीबन जो कुछ लाख का मोड़ है वहाँ तक आप देखिएगा कि ये जितने भी आपका फ्रंट रोड है ये सारा का सारा आपको आबाद मिलेगा, जिसमें दुकानें, प्लाजे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा बन जाएंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ लाख तक जो है वो सीपैक रोड अटैच हो रहा है, कुछ लाख के बाद जो हमारा बाईपास है मगरबी वहाँ तक जो है सीपैक का रोड आ रहा है, तो देखते हैं जनाब कब आएगा, क्योंकि काम तो चल रहा है, मैंने देखा है काफ़ी कुछ लाख से आगे जो जगह है वहाँ पे चल रहा है, अनकरीब आप देखेंगे। तो जी ये सेब वाले बैठे हुए हैं बेचारे, जो कि 300-400 रुपए का ये पार्सल दे रहे हैं, ये जो बोरियों में आपको नज़र आ रहा है ये सेब। और जी आबादी रोशनी यहाँ आलमो चौक के बाद आपको ज़्यादा ही मिलेगी,
वो साइड तो मैंने आपको दिखा दिया था, मुझे चाहिए कि मैं आपको ये जगह फोकस कराऊं।